वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों आपके फ़ोन में एयरटेल की सिम है और उसमें जो भी डाटा है नेट है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आज की इस वीडियो को बिना स्केप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। दोस्तों अगर आपके भी ये प्रॉब्लम आ रही कि आपके पास एयरटेल की सिम है और उसमें आप कोई भी वीडियो वगैरह नहीं देखते और जब आपका जो भी एयरटेल की सिम है उसका डाटा यहाँ पर बिना कोई यूज़ किए जल्दी ख़त्म हो जाता है, अगर आपके भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आज की इस वीडियो को बिना स्केप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बिना यूज़ किए एयरटेल सिम का कोई भी डाटा है वह जल्दी ख़त्म हो रहा है तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आएंगे, फिर एक ऑप्शन आएगा अबाउट फोन का, इसमें आना है। फिर एक ऑप्शन आएगा रीसेट का, इसमें आना है। रीसेट में आएंगे, उसके बाद में ऐसा एंटर पे जा देगा। फिर यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा रीसेट नेटवर्क सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपके फ़ोन के जो भी पिन है वो डालने हैं। फिर टिक पे क्लिक करना है, फिर रीसेट का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। रीसेट पे क्लिक करेंगे जो भी आपके मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग रहेगी वहाँ पर रीसेट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपके एयरटेल सिम का जो भी ऑटोमेटिक डाटा यूज हो रहा था, ऑटोमेटिक यहाँ पर नेट खत्म हो रहा था, वहाँ पर होना बंद हो जाएगा। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी इस प्रॉब्लम को कुछ इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको चला गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके।